एक बड़ी खबर इस बीच बता दें कि फ्रंट लाइन की ओर आगे बढ़े हैं यूक्रेनी लड़ाकू विमान। बेहद कम ऊंचाई पर उड़ते दिखे यूक्रेनी फाइटर जेट्स रूसी रडार से बचने के लिए लो एल्टीट्यूड पर ही उड़ान भरी दिखे। रूसी रडार से बचने के लिए ये यूक्रेनी फाइटर जेट्स हैं जो आपको लो एल्टीट्यूड पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, फ्रंट लाइन की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, कर्नल एस डिनी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। डिनी साहब, जो यूक्रेन इस वक्त स्ट्रैटेजी कर रहा है, यूक्रेन ने कह दिया, ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि जानबूझकर अनाज का संकट, जानबूझकर बिजली का संकट इस वक्त रूस खड़ा कर रहा है, हमारे जहाजों को रोका जा रहा है। डिनी सर, आप क्या देखते हैं इस वक्त जो हालात, यूक्रेन जिस तरह से रिटेलिएट कर रहा है, वो कहां जाता हुआ दिख रहा है? देखिए मैम, आज तो सबसे पहली बात तो आज PMEGP योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो, इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 50th डे है, मतलब इतने दिन से लड़ाई चल रही है और जहां तक रशिया का सवाल है, जिस तरह से उन्होंने शुरू किया था, उनको एक क्लियर डिसाइसिव विक्ट्री अब तक मिला नहीं है। तो जब से उनके ब्रिज के, जो क्रिमिया वाले ब्रिज पे अटैक हुआ, तब से उन्होंने कीव पे मिसाइल से काफी भारी मात्रा में अटैक करना लगातार रखा है। अभी हाल ही में जो उन्होंने जो ब्लैक सी फ्लीट में जो उन्होंने यूक्रेन ने अटैक किया, उसको कारण बना के उन्होंने अभी एक ये जो ग्रेन डील है या जो दाने, जो फूड बाहर भेजने वाले, उससे भी बाहर आ गए। तो मैं इसको दो चीजों में देखता हूँ। एक, जैसे आपके रिपोर्टर मनीष कह रहे थे, जो दर्द या जो दुख या जिस तरह से पीड़ा जो लोगों का, आम नागरिक जो यूक्रेन के अंदर है, उनके अंदर उनको इफेक्ट करने के लिए रशिया अभी कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, क्योंकि पहले ये सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना ज्यादा अटैक नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी वो उन्होंने शुरू किया ताकि वहां से एक दबाव ज़ेलेंस्की पड़े कि किसी तरह से इस युद्ध को समाप्त करो या उनके एटलीस्ट चर्चा करने के लिए जाओ। दूसरी तरफ पूरी दुनिया में एक ऐसा प्रेशर बना रहा है रशिया, ताकि रशिया के बात करने के लिए आगे बढ़े। बहुत बड़ी बात डिनी सर आप कह रहे हैं, एक तरफ तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला बोलना, दूसरी तरफ प्रेशर टैक्टिक्स भी करना, ताकि दुनिया की नजर सिर्फ और सिर्फ रूस पर जमी रहे। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूसी सैनिकों पर हवाई हमला हुआ है, यूक्रेनी हमले से बचता नजर आया रूसी सैनिक, हेलीकॉप्टर से बरसाए गए बम। ये देखिए तस्वीरें जो बता रही हैं, काफी कुछ कह रही हैं कि रूसी सैनिक कैसे बचकर भाग जाना चाहते हैं, मैदाने जंग से भाग जाना चाहते हैं, और यूक्रेनी सेना ने ये वीडियो जारी किया है। और एक और बड़ी खबर, रूस का यूक्रेनी फोर्स पर घातक मिसाइल अटैक, रूस ने ग्रैड मिसाइल सिस्टम से हमला किया है, रात के अंधेरे में ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गई है, हमले में यूक्रेनी फोर्स को बड़े नुकसान का दावा है। और एक के बाद एक ताबड़तोड़ मिसाइलें, BM-21 ग्रैड से हमला किया गया। PMEGP योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो, इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।